तो गाइस यार आ चुका हूं और एक नए वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोग को PUBG मोबाइल के अंदर दो ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस अगर आप उसको इनेबल या फिर डिसेबल करके रखते हो तो आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस अगर आपको PUBG मोबाइल के अंदर सेटिंग के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो ये वीडियो जो है आपके लिए नहीं है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि वो सेटिंग किस तरीके से काम करता है तो आप जो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा कि वो सेटिंग जो है किस तरीके से काम करता है। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग रूम के अंदर। तो यहाँ पर गाइज मैंने पूरा जो है साउंड कम कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। तो गाइज आप लोगों को बता दो कि वो सेटिंग क्या है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग को ओपन करोगे, बेसिक सेटिंग के अंदर आपको एकदम ऊपर जो एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रोकेट साइट वार्निंग। तो गाइज अगर आप इसको डिसेबल करके रख दे तो आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या आपको नुकसान होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस अगर आप ब्लॉकेड साइड वार्निंग को अगर आप डिसेबल करके रख दे तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो मान लीजिए गाइस अगर आप किसी भी ब्लॉकिंग वाला या फिर किसी भी पेड़ के पीछे कवर जो कि टिप पे लेके बैठे हुए हो, तो गाइस यहाँ पर अगर आप इसको डिसेबल करके रख दे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो आपका जो क्रोसियर है वो जो कि कवर के पीछे है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप जो यहाँ से फायर कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से फायर करने की कोशिश करते हो तो आपका जो पूरा जो बुलेट है वो जो ब्रोकन वाल के पीछे लग जाएगा या फिर जहाँ पर भी आप कवर लेके बैठे हुए वो सारा जो है बुलेट वो वहाँ पर लग जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप किसी भी पेड़ के या फिर जो भी ब्रोकन वाल या फिर कुछ भी हो अगर आप उसके पीछे कवर लेके बैठे हुए तो यहाँ पर गाइस आपका जो क्रोसियर है उसके सामने चूँकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेड कलर का निशान आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ से फायर नहीं कर सकते हो। आपका जो बुलेट है वो बाहर नहीं निकलेगा, आपका जो बुलेट है वो वहाँ पर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो अगर आप इसको इनेबल या फिर डिसेबल करके रखते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो गाइस ये जो फीचर है वो न्यू अपडेट के साथ आया है, यानी कि 0.18.0 का जो नया अपडेट आया था उस अपडेट के साथ ही आया है। तो गाइस अगर आप इसको इनेबल करके रख देते हो तो आपको जो बहुत ही फायदा होगा, तो इसको जो है गाइस आप इनेबल करके रख देना। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे जो कि सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पर आपको हीलिंग एंड प्रॉम्प्ट आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इसको डिसेबल करके रख दो तो इससे क्या होगा, मान लीजिए गाइस अगर आप किसी अगर आप हील बैटल कर रहे हो तो आपका जो मतलब कि अगर आप बैंडेज या फिर हेल्थ किट अगर आप सिलेक्ट करके रखते हो तो वहाँ पर जो हेल्थ किट या फिर जो जहाँ जिसको भी आप सिलेक्ट करके रखते हो तो वो जो है वहाँ पर ही रह जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप इसको इनेबल करके रख दे तो इससे क्या होगा, मान लीजिए गाइस आपका जो हेल्थ है अगर आपका हेल्थ 75% हो जाता है तो गेम डिसाइड करेगा कि आपको उसके बाद क्या चाहिए। अगर गाइस आपके आपका हेल्थ 75% हो जाता है तो गेम डिसाइड करेगा आपको जो है पेन किलर या फिर जो कि एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो फीचर काम करता है। तो गाइस मान लीजिए अगर आप हिल बैटल करते हो तो आप इसको डिसेबल कर देना, तो इससे क्या होगा अगर जहाँ पर आप जो हेल्थ किट या फिर जो मेडिकेट वगैरह सिलेक्ट करके रखते हो तो वहाँ पर ही जो मेडिकेट या फिर हेल्थ किट रह जाएगा, वो जो है गेम डिसाइड नहीं करेगा कि आपको उसके बाद क्या चाहिए, तो आप इसको जो कि डिसेबल कर सकते हो। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों फीचर किस तरीके से काम करता है। तो गाइस आई होप आप लोग को आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।